लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 10 सीटों संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव सैफई में एक मतदान केंद्र में अपना वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की बहुत बुरी हार होने वाली है, क्योंकि किसान, युवा, व्यापारी, हर वर्ग के लोग उनसे परेशान हैं। गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कुछ हम लोग उतने गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी।